आज किस वीडियो में बात करेंगे, आप जो MBTIG का जो पोर्टल है उस पर आपको चालान कैसे फिल करना है, कैसे उसमें इन्फॉर्मेशन होना है, जैसे किसी गुमास्ता का चालान करना हो आपको, या किसी का डेथ का सर्टिफिकेट का, या किसी बर्थ सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको चालान करना है, तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो सिस्टम है उस पर आप डायरेक्ट या गूगल सर्च कर सकते हैं MBTIG, और उसके बाद जो लिंक रहेगा आप देख सकते हैं MBTIG.gov.in, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा और आप देख सकेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसका लिंक भी मैंने आपको आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और वहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर CyberTreasury, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे CyberTreasury पे, और यहाँ पर आपको अनरजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें लेबर का कॉमन चालान वो चालान होते हैं जिसमें आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट का या किसी का बर्थ सर्टिफिकेट का, या बात करें पुलिस का जो रहता है उसके लिए आप जैसे होम का रहेगा, जैसे हम देख सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन का चालान की बात करें तो आपको यहाँ से बात हम करें, जैसे किसी का पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको चालान करना है तो आपको सबसे पहले आपको जो देख रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कौन सा। तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चालान करना है तो आपको यहाँ से होम सेलेक्ट करना है, और अगर बात हम करें किसी लेबर या गुमास्ता के लिए चालान करना है तो आपको यहाँ पर लेबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से होगा। और ऐसे जैसे किसी का ज़मीन के सीमांकन के लिए करना है तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू पे करके उसका करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ किसी का पुलिस वेरिफिकेशन का जो चालान रहता है उसको कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पे होम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, टिन नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है वो लिखें, उसके बाद नेम ऑफ द टैक्स पेयर, तो जिसके नाम से ये चालान बनना उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ऑफिस नेम में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल आप पे ही, तो आपको देखें यहाँ पे हाउस नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो भी उसका रोड है जो पूरा पता हुआ लिखेंगे, वहाँ पे सिटी जो भी है आपका, उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो भी वहाँ का पिन कोड है वो पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिल करना है जो कंपलसरी मैंडेटरी है, उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना किस डेट से किस कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आपको बनाना है, कितने फॉर्म भरना है तो उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हेड ऑफ अकाउंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी का भी आप चालान फिल कर रहे हैं तो आप पे हेड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको यहाँ पे देखें हमें किसी का पुलिस वेरिफिकेशन के लिए करना, तो आपको देख सकते हैं आप इस वाला चालान देख सकते हैं आप 00055001034x0, तो फी फाइन्स एंड फॉर्चुनर ये वाला ऑप्शन आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चालान बन रहे थे, और जैसे यहाँ पे पर्पज में लिखे यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद जो भी अमाउंट है यहाँ पे 100 रुपये का चालान बनता ज़्यादा करें तो आप यहाँ पे 100 रुपये लिखना है, इसके बाद और यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड चालान तो करेंगे आपने, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने का लगा, और उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आप इतने सारे ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं UPI से करें, पोस्ट से करें, कार्ड से करें, अदर बैंक स्टेट बैंक जो भी आपके साथ है तो उससे कर सकते हैं, इसमें UPI पेमेंट से भी आप कर सकते हैं जैसे PTM वगैरह से यहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी अमाउंट रहे वो यहाँ से यहाँ पर कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पूरा जो फॉर्म रहेगा वो पूरा फिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो कट जाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।